आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है माधव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पिछले कई दिनों से दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी और आज दोपहर ही उनका दुखद देहांत हो गया। घर का माहौल बहुत ही खराब था। पापा और दादी की हालत तो बेहद ही खराब थी। दादाजी के गुजर जाने के बाद मानो हमारा परिवार टूट गया था। इसी बीच मुझे बताया गया कि दादाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सबको देने मुझे गांव जाना होगा क्योंकि पापा तो कहीं जाने के हालत में नहीं थे, तो अब मुझे ही जाना होगा। लिहाजन मैं फटाफट घर से गांव जाने के लिए निकल गया। घर से थोड़ी दूर चलने पर मैं बस स्टैंड पहुंचा, जहां से मैंने गांव जाने के लिए बस पकड़ी। बस में तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरा और पैदल ही अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब तक शाम हो चुकी थी और अब सूरज की तेज किरणें धीमी पड़ने लगी थी, जिससे मुझे पैदल चलने में थोड़ी राहत मिल रही थी। और थोड़ी देर चलने के बाद मैं अपने गांव पहुंचा, जहां पारी पारी करके मैंने सबको पूरी बात बता दी। सारे रिश्तेदारों को ये खबर देते देते अब मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था और अब रात हो चुकी थी। सबको खबर देकर मैं वापस बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। कुछ 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं बस स्टैंड पहुंचा, तो एक भी बस बदायूं नहीं जा रही थी। बदायूं के लिए एक भी बस ना मिलने पर मैं बेहद ही परेशान हो गया। अब उन दिनों मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो और कहीं से मदद मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस स्टैंड पर खड़े खड़े मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर बने एक चाय के स्टॉल पर गई। उस चाय वाले को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बस के बारे में पूछा जाए। लिहाजन मैं उस चाय वाले के पास गया और उनसे बस के बारे में पूछताछ करते हुए कहा, अरे भैया ये बदायूं वाली बस कब मिलेगी? जिस पर उस चाय वाले ने कहा, अब कौनो बस नहीं मिलेगी साहब कल सवेर से पहले। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर पर है? जिस पर उस आदमी ने कहा, स्टेशन तो बहुत ही दूर है भैया जी। आगे उस चाय वाले ने उंगली का इशारा करते हुए बताया कि स्टेशन पहुंचने का एक छोटा रास्ता है जो इस रेल लाइन से होकर जाता है। उस चाय वाले ने एक रेलवे ट्रैक दिखाते हुए बताया कि इस रेल लाइन के साथ साथ चले जाइए, 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक स्टेशन मिल जाएगा। जिस पर मैं उस आदमी को धन्यवाद बोलकर उस रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो सिंगल लाइन का रेलवे ट्रैक था जिस पर मैं अभी आगे बढ़ रहा था। उस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। उस ट्रैक पर चलते हुए अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि जंगलों से आ रही जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें मुझे लगातार डराए जा रही थी। मैं अभी चल ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से जा टकराया, जिससे मैं सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा, जिस वजह से मुझे काफ़ी तेज चोट आई। मेरे हाथ छिल चुके थे। मैं अपने हाथ को एक हाथ से दबाए आगे बढ़े जा रहा था कि तभी मुझे सामने ट्रैक पर एक औरत दिखी जो कि अपना पैर पसार कर ट्रैक पर बैठी हुई थी। अब मैं उस औरत को लांग कर तो आगे नहीं जा सकता था, जिस वजह से मैंने उस औरत से कहा, बहन जी एक मिनट जरा साइड हो ना। जिस पर वो औरत वैसी की वैसी ही बैठी रही। जिस पर मैंने दोबारा उस औरत से कहा, बहन जी जरा साइड हो ना। इस बार भी
वो औरत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इस बार तो मैं पहले से ही गुस्सा था और ऊपर से यह औरत मुझे परेशान किए जा रही थी, जिस वजह से मैंने गुस्से में आकर कहा, अरे बैरी हो क्या? मेरी यह बोलते ही एकदम से उस औरत का शरीर अजीब तरह से हिला और इसी के साथ उस औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझे सुनाई देता है। यह बोलते ही उस औरत ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसका शरीर अलग अलग जगहों से कटा हुआ था। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और मैं जमीन पर गिर गया। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? जिस पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद ही खौफनाक थी। किसी तरह मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सरपट स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई। स्टेशन पहुंचकर मैं सीधे स्टेशन मास्टर के कैबिन में घुस गया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझे शांत रहने को कहा। जब मैं घबराहट से थोड़ा बाहर निकला तो मुझे स्टेशन मास्टर ने बताया कि दरअसल वो औरत 3 दिन पहले ही उसी रेलवे ट्रैक पर कटकर मरी थी। उसके मर जाने के बाद अब तक कई लोगों ने उसे यहीं रेलवे ट्रैक पर भटकते हुए देखा है। मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन में पीछे मुंह करके बैठा हुआ था, जिस वजह से मैंने पीछे पलटते हुए पूछा, साहब ये बदायूं वाली ट्रेन कब आएगी? मैंने पीछे पलटते ही जो देखा मानो मेरी धड़कनें रुक गई। मेरे पीछे वही औरत बैठी थी जिससे अभी मैं भागकर यहां आया था। खुद को दोबारा मौत के सामने खड़ा पाकर मैं बचने की उम्मीद छोड़ चुका था। इसी बीच स्टेशन मास्टर कैबिन में आए, जिनके आते ही वो औरत गायब हो गई, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया। फिर मुझे वो औरत कहीं भी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी माधव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी एक कहानी लेकर।